हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पार्ट टू में हम ये पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इन प्रीवियस वीडियो फर्स्ट वीडियो में पढ़े हैं कि हाउ माइक्रोब्स आर बेनिफिशियल फॉर अस इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमारे लिए किस तरह से माइक्रोब्स बेनिफिशियल हैं या माइक्रोब्स का क्या यूज है, ये हमारे लिए प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें कर्ड चीज़ किस तरह से माइक्रोब्स से बनाए जाते हैं या फंजाई से बनाए जाते हैं, फर्मेंटेशन करके बनाए जाते हैं, उस तरह से इंडस्ट्रियल यूज क्या है माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फूड बनाने में। माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स इन इंडस्ट्रीज इज डन इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटेटर्स। इसमें बड़े बड़े वेसल्स में जिसको कहते हैं फर्मेंटेटर्स, उसमें बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं फर्मेंटेड बियरवेज। बियरवेज मीन्स ड्रिंकिंग मटेरियल। बियरवेज आर फॉर्म बाई द फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स आर बियरर्स ईस्ट टू प्रोड्यूस एथेनॉल। जब माल्टेड सीरियल्स मीन्स ग्रेन्स को, डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रेन्स होते हैं उनको हम ईस्ट के साथ जो है अगर उसकी फर्मेंटेटिंग कराते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। एथेनॉल का मतलब क्या हो गया, इट इज़ ए टाइप ऑफ एल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। यही इस चीज़ पर डिपेंड करता है जो डिफरेंट टाइप्स के एल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होते हैं, जैसे बियर हो गया, ठीक है, ये माल्ट लिक्वर है माल्ट, फिर यह टेबल वाइन्स हो गया, ठीक है, या हार्ड लिक्वर में आता है विस्की, जीन, रम, वोदका, ये जो डिफरेंट टाइप्स के बियरवेज है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया के थ्रू जो इनका फर्मेंटेशन कराया जाता है और फिर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और इसे यह बियरवेज प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे बियर है, इसमें देखो अबाउट 5% एल्कोहल होता है। यहाँ पर माल्ट लिक्वर है, ठीक है, इसमें अबाउट 7% एल्कोहल होता है, इसमें 12% एल्कोहल है। टेबल जो वाइन होता है 12% एल्कोहल है, लेकिन अदर जो जीन विस्की ये सब जो बियरवेज हो गए इसमें 40% एल्कोहल होता है। तो फार्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक जितने भी तरह के एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाए जाते हैं माइक्रोब्स का यूज करके, ये डिपेंड करता है कि किस रॉ मटेरियल का, जैसे ग्रेप वाइन्स बनाया जाता है ग्रेप का यूज किया जाता है, माल्ट, ठीक है, माल्ट से माल्टा जो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, तो जिस तरह का सीरियल्स यूज़ किया जाता है उसमें उसका उसके थ्रू ये बियरवेज प्रिपेयर किए जाते हैं। वाइन एंड बियर्स आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, और इसको बनाने के लिए डिस्टिलेशन एक प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। तो यह वाइन और जो बियर होता है विदाउट डिस्टिलेशन प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन वहीं पर विस्की, ब्रांडी, रम, दे आर द फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसे कि डिस्टिल करते हैं, जैसे वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो वेपर के फॉर्म में आता है, और जो कि उसके पहले उसकी फर्मेंटेटेड करा दी जाती है उस सीरियल्स का, और जब उसको हम हीट करते हैं तो चूँकि वाटर से या लाइट होता है तो तुरंत वेपर के फॉर्म में ऊपर आता है, और ऊपर आ करके और फिर एक जगह कलेक्ट होने लगता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या हम डिस्टिलेशन, मीन्स जो डिस्टिल्ड प्रोसेस के थ्रू जो यह ऑब्टेन किया जाता है तो उसे कहते हैं डिस्टिलेशन। तो जैसे वाइन एंड बियर है तो विदाउट डिस्टिलेशन ये प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन वहीं पर विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब जो होते हैं, ये जो बियरवेज होते हैं, दे आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, दीज आर द टाइप ऑफ केमिकल्स विच इनविट्स आर किल्स द माइक्रोब्स। यह बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं यह एक तरह के केमिकल्स होते हैं, तो बॉडी के अंदर के जो माइक्रोब्स होते हैं जब उस केमिकल को हम लेते हैं तो वह उनके प्रोसेस को क्या करते हैं, उनके ग्रोइंग प्रोसेस को रोक देते हैं, उसे कहते हैं क्या हम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सबस्टेंसेस प्रोड्यूस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मीन्स व्हाट इज द बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन लाइफ। तो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स से एंटीबायोटिक प्रिपेयर किए जाते हैं विच कैन किल आर रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। कि व्हेन वी सफर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर आर डिजीज
वी टेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिंस। तो मेडिसिंस को लेते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स होता है, एंटीपायरेटिक्स होता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल विच किल्स द जर्म्स, जो जर्म्स को किल करता है। एंटीपायरेटिक्स का मतलब जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को जो लोअर्स करता है, उसे कहते हैं एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। तो एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि जो पेन को कम करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेडिसिंस होते हैं, जिसमें जो एंटीबायोटिक्स होता है, दीज आर द प्रिपेयर फ्रॉम, इट इज ए टाइप ऑफ केमिकल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इसका डिस्कवर्ड किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनाया था उस पेनिसिलियम नोटेटम, इट इज़ ए टाइप ऑफ फंगस, ठीक है। पेनिसिलिन, उससे जो जो एंटीबायोटिक बनाए थे वो था क्या, पेनिसिलिन, डिस्कवर्ड बाई एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। अब कैसे हुआ, पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है, वाइल द वर्किंग ऑन द स्टेप्टोकॉकस बैक्टीरिया, जब वो स्टेप्टोकॉकस बैक्टीरिया, काकस बैक्टीरिया बताने की जरूरत नहीं है, जो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं, उस पर जब वो वर्क कर रहे थे फ्लेमिंग, तो वह ऑब्जर्व किए कि द ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स अराउंड विच द बैक्टीरिया डिड नॉट ग्रो। वह यह देखे कि वहाँ पर एक मोल्ड मीन्स फंगस की कैटेगरी है, उसके पास वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो वह इस चीज़ को थिंक किए कि आखिरकार क्या बात है, थिंकिंग किए क्या बात है कि वहाँ पर मोल्ड वह ग्रो नहीं कर पा रहा है, जहाँ पर ये जो है स्टेप्टोफाइलोकॉकस है और वहाँ पर मोल्ड है, तो मोल्ड की वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने डिस्कवर्ड किया और उस जो मोल्ड्स था मैंने पेनिसिलियम नोटेटम, उससे जो है एक केमिकल को ऑब्टेन किया और उसका नेम दिया क्या, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन यही फर्स्ट जो है एंटीबायोटिक प्रिपेयर किया गया, डिस्कवर्ड किया गया बाई एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इट वॉज फाउंड टू बी ए केमिकल, तो वह देखे कि जो मोल्ड है वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे हैं, अदर प्लेस पे ग्रो कर रहे हैं। तो उस मोल्ड से वह एक केमिकल को बाहर किए और उस केमिकल का नाम दिया क्या, पेनिसिलिन। और वह पेनिसिलिन जो है डिफरेंट टाइप से तो काकस टाइप के बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है, और यही फर्स्ट जो है एंटीबायोटिक्स था, ठीक है, पेनिसिलिन, विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाई पेनिसिलियम नोटेटम, इट इज ए टाइप ऑफ फंजाई। द फंक्शन ऑफ पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक वाज इस्टेब्लिश्ड, बाद में उसको और इस्टेब्लिश्ड किया आर्नेस्ट, सबसे पहले डिस्कवर्ड एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था इसको, लेकिन उसको और जो है आगे बढ़ाया था, इस्टेब्लिश्ड किया था आर्नेस्ट चेन एंड हॉर्ड फ्लोरी ने। इट वाज यूज्ड टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड इन वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में ही, ठीक है, 1945 में। फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरी, और इसके लिए अब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, तो अमेरिकन सोल्जर्स के जो वुंड थे, घाव थे, उनको ठीक करने के लिए उस समय पेनिसिलिन का यूज किया गया, और इससे बैक्टीरिया किल हो गए, वह ठीक होते गए, ठीक है। लेकिन इस बड़ी डिस्कवरी के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चेन और फ्लोरी, जो हार्वर्ड फ्लोरी, वेयर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर देयर डिस्कवरी। डिजीज क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक इंक्लूड, अब इसमें प्रेजेंट टाइम में तो लगभग हर तरह के बैक्टीरिया के लिए, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया के लिए, जो वह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो, अब इतने तरह के ईच ईयर 500 से अबव जो है एंटीबायोटिक जो है प्रिपेयर किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। अब जैसे इसमें प्लेग के लिए भी, ओफिंग कफ, काली खांसी जिसको कहते हैं, डिप्थीरिया एंड लेप्रोसी, इन सब के लिए प्रेजेंट टाइम में ऑलरेडी एंटीबायोटिक प्रेजेंस है, ठीक है। अब माइक्रोब्स का यूज करके डिफरेंट टाइप के और ऑर्गेनिक एसिड्स बनाए जाते हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे। अभी तो बड़े एंटीबायोटिक क्या है और किसने इसका डिस्कवर किया था और किस माइक्रोब से इनका यूज, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मीन्स व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रोल ऑफ, व्हाट इज़ द यूजफुल रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन लाइफ। तो अब कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स बनाए जाते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड है, तो सिट्रिक एसिड्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम एस्पार्जिलस नाइजर,
यह एक फंजाई है और इस फंजाई से सिट्रिक एसिड बनाया जाता है जिसका यूज कैंडी चॉकलेट ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है, सिट्रिक एसिड का, या और भी कई तरह के बियरवेज होते हैं जो सावर टेस्ट के होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है और यह ऑब्टेन किया जाता है किसे, यह लर्न करना है बोर्ड के लिए। एस्पर्जिलस नाइजर जो क्या है, एक फंजाई है। एस्टिक एसिड जिसको विनेगर कहते हैं, पिकल्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, अदर पर्पज़ के लिए भी यूज किया जाता है विनेगर का। यह एसिटोबैक्टर एसिटी से प्रिपेयर किया जाता है, यह एक टाइप का क्या है, बैक्टीरिया है। तो जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द बेनिफिशियल रोल ऑफ बैक्टीरिया, आज प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब जैसे ब्यूटेरिक एसिड है, दे आर द ऑब्टेन फ्रॉम क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, इट इज ए टाइप ऑफ माइक्रोब्स। और क्या है यह क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलम ब्यूटिलिकम, इट इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज बनाने में। तो लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो कर्डलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस, एथेनॉल जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द ईस्ट, एथेनॉल इट इज ए टाइप ऑफ एल्कोहल एंड इट इज द प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, किसे प्रिपेयर किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से। अब आते हैं एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स जो बनाए जाते हैं माइक्रोब्स का यूज करके कमर्शियली, जैसे लाइपेज एंजाइम का यूज किया जाता है किसमें, यूज इन डिटर्जेंट फार्मुलेशन, डिटर्जेंट में होता है, स्टेन को रिमूव करने के लिए लॉन्ड्री में इसका यूज किया जाता है लाइपेज एंजाइम का। एंड दीज आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज है, एंजाइम है, ASC आ गया तो इसे ही समझ गए एंजाइम। यूज फॉर रिफाइनिंग द बॉटल्ड जूस, बॉटल्ड जो जूस होता है, बॉटल में जो जूस आता है डिफरेंट टाइप के बियरवेज, वो देखते हैं काफ़ी क्लीन दिखाई देता है, तो वह पेक्टिनेज प्रोटीएज एंजाइम की वजह से होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रिपेयर जो किया जाता है एंजाइम, बनाया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, दीज आर द प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेप्टोकाकस बैक्टीरिया एंड मॉडिफाइड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके, वो चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके और स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाया जाता है। अब उस एंजाइम का क्या रोल है, यह ब्लड क्लॉट बस्टर का काम करता है, यानी बॉडी के किसी साइड में अगर ब्लड की क्लॉटिंग अगर हो गई है किसी पेशेंट को, तो यह क्लाट को रिमूव करता है, इसलिए स्ट्रेप्टोकाइनेज को कहते हैं क्लाट बस्टर फॉर रिमूविंग द क्लाट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगॉन द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। कभी कभी हार्ट अटैक के केसेस होते हैं या ब्रेन में कभी क्लॉटिंग हो जाती है, तो उसके लिए जो पेशेंट को जो मेडिसिन दिया जाता है, मेडिसिन के जो फॉर्म दिया जाता है, वह स्ट्रेप्टोकाइनेज ही होता है। इट इज ए टाइप ऑफ एंजाइम, जहाँ पर क्लॉटिंग हुई है उस प्लेस पर वह पहुँच करके और उस क्लाट को ब्रस्ट कर देता है, मिस डिजॉल्व कर देता है और फिर से ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज किया जाता है, विच इज द ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकाकस बैक्टीरिया एंड मॉडिफाई बाई जेनेटिक, और मॉडिफाइड किया जाता है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके। इन्वर्टेज एंजाइम, यह प्रोड्यूस किया जाता है किससे, ईस्ट से, इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई द ईस्ट, और इसका यूज क्या है, टू इन्वर्ट द शुगर फॉर आइसक्रीम एंड कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी में इसका यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स के, या टू इन्वर्ट द शुगर फॉर आइसक्रीम वगैरह बनाने में इन्वर्टेज एंजाइम का यूज किया जाता है, विच इज द ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट, जो ईस्ट से। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, सो दीज आर द बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के रूप में जैसे हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, यह एक फंगस से बनाया जाता है, फंगल से प्रिपेयर किया जाता है। अब देखो कितना, वो फंगस का नेम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, इट इज ए टाइप ऑफ फंगस बाय विच वी ऑब्टेंड साइक्लोस्पोरिन ए। तो हम यहाँ पर देखें कि फंगस एक क्या है, माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
और उससे बनाया जा रहा है साइक्लोस्पोरिन ए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसका क्या है, इस साइक्लोस्पोरिन का, इट इज़ यूज एज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। जब ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे मान लो किडनी किसी का फेल हो गया और किडनी कोई डोनेट कर रहा है, और एक दूसरे पर्सन की बॉडी में दूसरे की किडनी को जब ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करने लगता है। तो इम्यून सिस्टम हमारा उसके अगेंस्ट काम न करे, ठीक है, उसके पहले उस पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है ताकि वह रिसीव कर ले, बॉडी का हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस ऑर्गन को रिसीव कर ले। अब देखो कितना इसका इम्पॉर्टेंट है, एंड दीज आर ऑप्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, इट इज़ ए टाइप ऑफ फंजाई। तो दीज आर द बेनिफिशियल रोल ऑफ फंजाई, दीज आर द बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फॉर ह्यूमन बींग। स्टेन, स्टेन जो ऑप्टेन किए जाते हैं, मोनेस्कस प्यूरिपीरियस, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ फंगस। स्टेन जो बनाए जाते हैं, अब इसका यूज क्या है, स्टेन जो यूज किया जाता है मॉलिक्यूल्स के फार्म में, मॉलिक्यूल्स है यूज एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड के इनसाइड जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो इससे जो है इसका इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है, और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है यह अफेक्टेड हो जाता है, ब्लड का जो फ्लोइंग है उस पर इसका इफेक्ट होता है जब कोलेस्ट्रॉल होने लगता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक डिसऑर्डर होता है, तो यह क्या करता है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जब हम इस स्टेन को लेते हैं तो। और ये ऑप्टेन किससे किया जाता है, मोनेस्कस प्यूरिपीरियस, इट इज ए टाइप ऑफ फंजाई फंगस। दिया है कि यूज एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट एंड इट कम्पिटिटिवली इनहिबिट द एंजाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, यह बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को रोक देता है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ने पाता है और हमारा हार्ट प्रॉपरली वर्किंग में रहता है और ब्लड पूरे बॉडी में इजी वे में फ्लो करता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, तो दीज आर द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। अब बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में साइक्लोस्पोरिन जो बताए, ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। ओके, थैंक्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम।